आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। उसके लिए हम लेंगे 2 किलो चिकन, 2 किलो चावल बासमती, इसको हम आधा घंटा भिगो देंगे। फिर उसके बाद हमारे स्पाइसेस में आएंगे 2 चम्मच सौंफ, 2-3 चम्मच साबुत धनिया, दालचीनी, जायफल जावित्री, लौंग। लौंग हम कम लेंगे क्योंकि लौंग कड़वा देता है। और ये लेंगे आधी चम्मची काली मिर्च और जीरा, हरी इलायची और बड़ी इलायची दोनों लेंगे। पूरा गरम मसाला लेंगे और फिर उसके अलावा इसको हम कूट लेंगे। इतना कूटना है कि मोटा मोटा कूटना है। फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, नमक हसबे जायका और हरी मिर्च लेंगे 6 चम्मच बड़े वाले, ठीक है। और टमाटर 5 अदद छोटे वाले और प्याज 1/2 किलो, 2 किलो चावल में और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च और घी लेंगे 3 प्याले। अभी प्याज हमने फ्राई किए हैं, सारे प्याज ले लिए हैं और बाकी इसको हम अब निकाल लेंगे और थोड़े से प्याज इसी में छोड़ देंगे मसाले के लिए। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे इसी प्याज में। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए फिर उसके बाद हम बाकी मसाले डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, इसमें डालेंगे हरी मिर्ची का पेस्ट 2, ये हो गया 5 टेबल स्पून। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि टमाटर हमें सॉफ्ट हो जाए। अब 1 प्याला घी लिया है, इसमें हम 2 किलो चिकन डाल देंगे। चिकन को अब इसको फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम चिकन को निकाल लेंगे और जो मसाला बना हुआ है ना उसमें हम इसको फिर डालेंगे। तो टमाटर सॉफ्ट होगा, अब इसमें ना हम लौंगा मिर्च डालेंगे। इसमें हम डालेंगे जो गर्म मसाला कूटा था ना उससे पूरा डाल देंगे। नमक हंस जाएगा, 2 चम्मच कुटी हुई मिर्च, अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो 3 चम्मच कर लें। चिकन भी डन हो गई है, अब इसको हम मसाले में डाल देंगे। अब चिकन के साथ इसको भूनना है दही डाल के। अभी 8 किलो बोलते हैं, अभी 1/2 किलो दही इसमें शामिल कर देंगे। 2 किलो में 1/2 किलो दही, तब इसको छोड़ देंगे ताकि इसका पानी ड्राई होए। चिकन हमारी बिल्कुल भुन गई थी, उसके बाद हमने इसमें 2.5 किलो पानी छोड़ दिया। पानी जैसे बॉयल आएगा इसमें हम चावल छोड़ देंगे। यह गरम मसाला लिया, इसमें जायफल भी है, जावित्री भी है और इसको भुना है, थोड़ी देर भुना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा कूटेंगे और जब चावल दम पे आएंगे इसके ऊपर से हम छिड़क देंगे। अब ये पानी पक गया है, अब इसमें हम चावल डालेंगे। अब हम इसको दम पे रखेंगे, पुदीना और जो मसाला हमने कूटा था ना गरम मसाला भून के वो डाल के अब इसको हम दम पे रखेंगे। ये है हमारे पुलाव की फाइनल लुक, इसमें डाला है धनिया, पुदीना और तली हुई प्याज। अच्छा, अब आप लास्ट में अपना फीडबैक दीजिएगा और आपकी जो भी फरमाइश है वो हमें लाजमी बताइएगा, हम इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे।